हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है महामुनि। हालांकि ये इसका हिंदी टाइटल नेम है, इसका तमिल वर्जन है मगामुनि, लेकिन अभी ये आपको हिंदी में यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन इस वीडियो के बाद जाके वो मूवी को देखना, पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके मतलब के है कि नहीं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी रिकमेंड की है मुबारक पठान ने, तो यार थैंक यू सो मच भाई। और आप लोग भी इसी तरीके से मूवीज़ और सीरीज सजेस्ट कर सकते हो, बस एक बार कोशिश तो करो कमेंट करने की। फिर अब बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है दो जुड़वे भाइयों पे। एक भाई जिसका नाम है महादेव, वो बड़ा होकर क्रिमिनल बन जाता है, और दूसरा भाई जिसका नाम है मुनिराज, वो एक टीचर बन जाता है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों भाइयों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिनके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो सिचुएशन क्या है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर आपको डबल रोल देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर ने हर एक चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है कि कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन होती नहीं है। यहाँ पर जो कहानी है वो उसको इतना अलग वे में प्रेजेंट किया कि आप लोग इससे पहले इस तरीके की कहानी कभी देखे ही नहीं होगी। उसके अलावा मूवी की जो स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट है वो आपको थोड़ा सा स्लो महसूस हो गया, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर ने चीज़ों को बिल्डअप किया, यानी कि जो सिचुएशन आगे होने वाली है उसको धीरे धीरे बिल्डअप किया, और इस तरह से बिल्ड किया कि जो एक इंडिविजुअल जब इस मूवी को देखेगा तो वो इजीली कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाए, और इतना कनेक्ट हो जाए फाइनली कि जब उनके साथ कुछ भी बुरा हो या कुछ अच्छा हो तो वो फील कर पाए। इसलिए इस मूवी को इस तरह से बनाया गया है। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखो, यूँ तो दो ही मेन कैरेक्टर है, महादेव और मुनिराज का, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको भी इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया है कि यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर का अपना एक आर्क देखने को मिलेगा, उनके शेड्स देखने को मिलेंगे, और वहीं पर बस आप पूरी तरह से इस मूवी में खो जाते हो। फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत बढ़िया है, और जिस तरीके से इस पूरी मूवी को शूट किया ना यार, बहुत ही लाजवाब, यानी कि हर एक एंगल को अच्छी तरह से बताया कि ऑडियंस वो सारी चीज़ें फील करे जो स्क्रीन पर उन कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। उसके बाद लास्ट के जो 45 मिनट है उसमें जो जो BGM आपको सुनने को मिलता है ना, वो आपको इमोशनल भी करेगा, आपके अंदर फील भी पैदा करेगा, और बस आप एक अलग ही जोन में चले जाओगे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जो लीड एक्टर है आर्या यार, उन्होंने तो इतना गजब का काम किया कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप उनको डबल रोल प्ले किए, यानी कि आप लोग फील कर पाते हो कि यार ये दो अलग इंसान है। ये एक अच्छे एक्टर की पहचान है, स्क्रीन पे बहुत अच्छा, और इस पूरी मूवी में आपको काफ़ी सोशल मैसेज देखने को मिलेंगे, और वो सोशल मैसेज आपको तब समझ में आएगा जब इसके डायलॉग्स आप लोग सुनोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायलॉग्स के जरिए आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की यहाँ पर मेकर्स की तरफ से। बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इसकी जो लेंथ है 2 घंटे 24 मिनट की, और इस मूवी की जो पेसिंग है, ये दो चीज़ मुझे नेगेटिव फील हुई, लेकिन ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को इसकी जो पेसिंग है वो अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ने स्लोली स्लोली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ लोगों को इसकी पेसिंग खलेगी, यानी कि उनको ऐसा लगेगा मूवी बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है। तो ये हर एक इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है मूवी देखने का। मेरे हिसाब से ये मूवी वॉचेबल है, एंटरटेनिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके अलावा अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करेंगे तो देखिए, ये एक साउथ की मूवी है, तो आप यहाँ पर एडल्ट सीन तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और इस मूवी में भी आपको कुछ भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता है। पूरी मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10 इस वीडियो में। इतने आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।